हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। इस पार्ट में आपको बताऊंगा जो आपका एडवर्ब है उसका पार्ट थ्री। इसमें जो आपके इससे पहले हमने इसके 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जैसा कि आपको पता होगा। जो स्टूडेंट्स हमारे इस पार्ट को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे पहले पार्ट को भी देखिए, पहले दो पार्ट्स को, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो ये क्वेश्चंस है मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुकी है, क्लियर? तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से करिए और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं, क्लियर? तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है क्या, ऑल द पीपल्स, पीपल्स यहाँ पे एक वर्ड है, पीपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट, क्लियर? पीपल्स का मतलब होता है क्या, स्टूडेंट। मैं आपको बता देता हूँ, All the pupils stood up respectively as the guru entered the room. अब यहाँ पे जो आपका एरर है, एरर तो आपका क्या है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, मैं बता देता हूँ। एक आपका रिस्पेक्टिवली होता है और एक आपका रिस्पेक्ट फुली होता है। दोनों में डिफरेंस बताना क्या होता है। रिस्पेक्टिवली आपको ऑर्डर के सेंस में आता है, जैसे मैंने क्या कहा, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 20 days, क्लियर? ये तो आपका ऑर्डर के सेंस में आता है। रिस्पेक्टफुली का मतलब क्या होता है, आदर करते हुए। तो एक चीज देखिए, आप क्लास में ऑर्डर की बात होगी या रिस्पेक्ट की बात होगी, यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात होगी, आदर की। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे आदर पूर्वक खड़े हुए जैसे ही गुरु टीचर क्लास में एंटर्ड हुए, क्लियर? तो आपका जो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली है इसे आपको हटाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, रिस्पेक्ट फुली, क्लियर? एरर फाइंड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, कि लॉजिक फाइंड करना कि यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए और क्यों चीज नहीं आनी चाहिए। अगला हमारा है क्या, एरर, शी साउंडेड वेरी सैडली आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साउंड का मतलब क्या होता है, साउंड का मतलब होता है ये आवाज नहीं होता, आवाज तो होता ही है, एक और मतलब होता है इसका क्या, जैसे आपका मतलब होता है ना एक सीम साउंड, इन सब का मतलब होता है लगना, मतलब वो कैसी लगती है, अब काफी ज्यादा दुखी लगती है, कब से, जब से जो उसका पालतू कुत्ता है वो मरा है तब से। तो यहाँ पे जो आपका एरर है, जो सैडली है, ये आपका गलत है, ये एडवर्ब है और यहाँ पे हमें यूज क्या करना है, सी साउंडेड वेरी सैड, वो कैसी थी, काफी दुखी, कब, जब उसका पालतू कुत्ता मर गया तब। तो यहाँ पे सैडली नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, सैड, क्लियर? क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके कैरेक्टर की, मतलब कि स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो उसकी कंडीशन कैसी थी, तो काफी ज्यादा सैड थी, ठीक है, कब से, जब से उसका पालतू कुत्ता मरा तब से, क्लियर? जो आपका नेक्स्ट एरर है, नेक्स्ट एरर क्या है, वीना वर्कड वेरी हार्डली एज शी वॉन्टेड टू बी अ सर्जन। वीना ने कड़ी मेहनत करी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना चाहती थी। जो आपका यहाँ पे वर्ड है हार्डली, ये आपका यहाँ पे नहीं आना चाहिए, हार्डली की जगह पे आपको यूज़ करना है क्या, हार्ड, क्योंकि हार्डली का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है, हार्डली आपका ये नेगेटिविटी को शो करता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो मुश्किल से, क्लियर? बट यहाँ पे हम बात किसी की कर रही है, कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत का क्या होता है, हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, तो एक सर्जन अगर बनना है तो मुश्किल से मेहनत करेगी या कठिन मेहनत करेगी, लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा, कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो क्या है, हार्डली को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीना वर्कड वेरी हार्ड एज शी वॉन्टेड टू बी अ सर्जन, क्लियर? नेक्स्ट आपका एरर क्या है, हर स्पीच वॉज नॉट क्लियरली बट वी अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग।
यहाँ पे एक वर्ड आया अंडरलाइंग मीनिंग। अंडरलाइंग मीनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी स्पीच होती है या कोई मैसेज होता है, कोई भी चीज़ होती है, जैसे मूवी हो गया या आपका कोई स्टोरी हो गई, उसमें एक मैसेज छुपा होता है, तो जो मैसेज छुपा होता है ना उसे अंडरलाइंग कहते हैं। अंडरलाइंग, अंडरलाइंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो छुपी हुई है उसका मीनिंग निकालना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हर स्पीच वॉज नॉट क्लियर, यहाँ पे जो क्लियरली आपको इसे हटाना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा क्यों, क्लियर आएगा, क्लियर बट आएगा क्यों ये आपको बताता हूँ। आपको जो क्लियरली है ये आपका एक एडवर्ब है क्लियर, और जो आपका क्लियर है ये आपका एडजेक्टिव है। जैसे हम बोलते ना इज माई वॉइस क्लियर, क्या मेरी आवाज क्लियर है, तो मैं अपने वॉइस की विशेषता बता रहा हूँ, विशेषता क्या है, क्लियरिटी उसकी। तो जो क्लियर है आपका वो एक एडजेक्टिव है, और क्लियरली जैसे मैंने बोला क्या, आई स्पोक क्लियरली यस्टरडे, मैंने कैसा बोला, क्लियरली, मतलब मैनर अगर बताएं, जैसे मैंने आपको बताया था अगर हमें किसी काम का मैनर बताना हो तो वहाँ पे हम एडवर्ब लगाते हैं, बट अगर हमें फीचर बताना हो या स्पेसिफिकेशन उसकी स्पेसिफाई करना हो तो वहाँ पे हमें एडजेक्टिव लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या बताना है, उसकी स्पीच क्लियर थी तो हमें क्लियर लगाना पड़ेगा, ना कि क्लियरली। ओके, नेक्स्ट आपका एरर है क्या, व्हेन शी रिसीव्ड द गुड न्यूज, व्हेन शी रिसीव्ड द गुड न्यूज शी रेन स्ट्रेटली टू कॉल हर पेरेंट्स, जब उसे एक अच्छी न्यूज मिली तो वो सीधा किसके पास गई, अपने पेरेंट्स के पास। जो आपका यहाँ पे स्ट्रेटली वर्ड है ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको, जो आपका यहाँ पे स्ट्रेट है ये आपका एक एडजेक्टिव भी होता है और ये एक आपका एडवर्ब भी होता है, मतलब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों ही स्ट्रेट होता है। तो स्ट्रेटली को हटा के आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओनली स्ट्रेट, क्लियर। नेक्स्ट आप कह रहे क्या हो, व्हेन आई read his biography, I hardly found something at my resignation. जो something है ये आपका शो करता है एक पॉजिटिविटी को, ठीक है। और hardly का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, hardly का मतलब होता है ना के बराबर, negative। तो hardly के बाद जो आपका structure बनता है वो क्या होता है, anything, ना कि समथिंग। तो समथिंग को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पे यूज हो जाएगा आपका एनीथिंग। व्हेन आई रेड हिज बायोग्राफी आई हार्डली फाउंड एनीथिंग एट माय रेजिग्नेशन, क्लियर। नेक्स्ट आपका एरर है इस पार्ट का, वी सेल्डम और एवर गो आउट दीज डेज बिकॉज इट इज टू हॉट नाउडेज, मतलब हम मुश्किल से और शायद ही कभी बाहर निकलते हैं, क्यों, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जो आपका सेल्डम और नेवर, सेल्डम और इफ एवर, ये स्ट्रक्चर बनता है। सेल्डम के बाद अगर और हो तो वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, या तो नेवर या तो इफ एवर। तो यहां पे आपको एवर को हटाना पड़ेगा और क्या आएगा, सेल्डम और नेवर। यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा हमें, नेवर, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका क्या बनता है, सेल्डम और नेवर का, गॉट इट। जो आपका नेक्स्ट एरर है वो क्या है, दो ही वॉज ब्रेव ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनली, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है बट जो लाइफ के अप्स एंड डाउन है वो उसे फेस नहीं कर पाया मैनली। मैनली का मतलब क्या होता है, किसी काम को या किसी सिचुएशन को काफ़ी दृढ़ता से सामना करना उसका। तो जो आपका यहाँ पे मैनली है ये एक एडजेक्टिव है, क्लियर। और यहाँ पे हमें बात किसकी करनी है, उसने कैसे फेस किया, मैनर बताना है हमें कि उसने सिचुएशन, मतलब जो अप्स एंड डाउन्स थे लाइफ को किस तरह से फेस किया। तो मैनली नहीं आएगा यहाँ पे, जो इसका आपका एडवर्ब होता है वो क्या होता है, मैनफुली, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, एडवर्ब की, गॉट इट।
manly is an adjective, and now here we need to use an adverb. The adverb of manly is manfully. Got it? जो आपका नेक्स्ट एरर है इस पार्ट का, इस पार्ट में ही मैं आपको जितने भी एरर्स हैं इसके कंप्लीट करा दूंगा, और जो स्टूडेंट्स जिन्हें मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके बेसिक भी मैंने आपको करा रखा है, आप हमारी वीडियो देखिए, वहां से आपको सारे क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट्स। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर इन चार्ज। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है आपका अपॉइंटेड, इसके बाद ना एज नहीं आता, ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जिनके बाद एज नहीं आता। जैसे मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख दे रहा हूँ जिनके बाद एज नहीं आता है, जैसे आपका इलेक्टेड, सेलेक्टेड, चूज, अपॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, नॉमिनेटेड एटसेट्रा, कुछ और वर्ड्स है। ये मेनली वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम एज का यूज कभी भी नहीं करते हैं, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, चूज, अपॉइंट, नॉमिनेट। ओके, तो यहाँ पे जो आपका एज है आपको इसे हटाना पड़ेगा और सिंपल क्या आएगा, अपॉइंटेड हिम ऑफिसर इन चार्ज। गॉट इट? योर नेक्स्ट एरर इज It rained like cats and dogs throughout the night. It rained like cats and dogs throughout the day night. अब इसमें जो आपकी गलती है वो क्या है, जो आपका cats and dog है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काफी तेज बारिश होना, तेज बारिश। तो जो cats and dogs है ऑलरेडी इसका मतलब होता है तेज बारिश, जो आपका यहाँ पे like है ये यूज नहीं होगा क्योंकि आपका idiom ये cats and dog ऑलरेडी शो कर रहा है काफी तेज बारिश होना, मतलब it rained cats and dogs throughout the night, like लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये एरर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गॉट इट? जो आपका नेक्स्ट एरर है, अ सोल्जर इज नेवर टॉट टू फाइट कोवर्डली। अब जो आपका यहाँ पे वर्ड है कोवर्डली, ये आपका एक एडजेक्टिव है, क्लियर? अब देखिए हमें बात क्या करनी है कि सोल्जर किस मैनर में फाइट करता है, तो कोवर्डली ये आपका एक एडजेक्टिव है और हमें बात क्या करनी है यहाँ पे मैनर की, मैनर मतलब हमें एडवर्ब बताना है। तो कोवर्डली का जो आपका एडवर्ब बनता है वो क्या बनता है, इन कोवर्डली मैनर। कोवर्डली को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, इन कोवर्डली मैनर, क्लियर? क्योंकि कोवर्डली आपका एक एडजेक्टिव है और हमें यहाँ पे बताना क्या है, उसका मैनर मतलब एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, इन कोवर्डली मैनर। जो नेक्स्ट आपका एरर है वो क्या है, ही इज इनफ टॉल टू बी सेलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या है, ही इज इनफ टॉल, जो आपका इनफ है ये हमेशा यूज होता है आपका क्या, एडजेक्टिव के बाद, क्लियर? हमेशा एडजेक्टिव प्लस इनफ का स्ट्रक्चर बनता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना हमेशा। जैसे मैंने बोला क्या, स्मार्ट इनफ, ना कि इनफ स्मार्ट, मैंने बोला क्या, ही इज स्मार्ट इनफ टू फेस दिस प्रॉब्लम। तो यहां पे क्या आएगा, ही इज टॉल इनफ टू बी सेलेक्टेड इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो जो आपका इनफ है यहाँ पे वो कब आएगा, टॉल के बाद। तो आपका एरर कहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट में। स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, एडजेक्टिव के बाद आता है हमेशा इनफ। जो आपका नेक्स्ट एरर है वो क्या है, आई एम फुल ऑफ एनर्जी टूडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। आई एम फुल ऑफ एनर्जी मतलब कि मेरे अंदर काफी ज्यादा ऊर्जा, क्यों, क्योंकि कल रात को मैं काफी अच्छे से सोया था। बिकॉज आई, जो आपका साउंडली है ये यूज होगा कहां पे, आई स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट।
साउंडली को यहां से हटाना है और इसे कहां पे लगाना पड़ेगा, वर्ब के बाद। क्लियर? जो आपका नेक्स्ट एरर है वो है क्या, आई डिड नॉट नो हार्डली एनी वन इन द कॉलेज एंड सो आई फेल्ट लोनली ऑल द टाइम। लोनली का मतलब होता है अकेलापन, मतलब कि मैं कॉलेज में किसी को नहीं जानता था जिसके कारण से मुझे काफ़ी अकेलापन महसूस हुआ कॉलेज में। जो आपका हार्डली यहाँ पे वर्ड है ये ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, तो इसे आपको हटाना पड़ेगा। सिंपल क्या बनेगा, आई डिड नॉट नो एनी वन इन द कॉलेज। क्लियर? या फिर ये बन सकता था क्या, आई हार्डली, फिर आ जाता क्या यहाँ पे न्यू एनी वन इन द कॉलेज। या तो ये स्ट्रक्चर आपका सही होता या तो आपको यहाँ से हार्डली को हटाना पड़ेगा। क्लियर? जो आपका सेकंड लास्ट एरर है एडवर्ब पार्ट का वो क्या है, आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट अ मोर इंटेलिजेंट मैन लाइक सोहन। जो आपका यहाँ पे नेवर है यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये क्या, ये आएगा आपको रिमेंबर के बाद, आई रिमेंबर Never to have met a more intelligent man like Sohan. हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या, remember, consider, इन सब के बाद आता है never. Clear? ना कि इनके पहले। जो आपका last error है adverb part का वो है I refused to consider him as an honest boy as he had cheated many people. अभी मैंने आपको बताया था क्या, consider अपॉइंट इलेक्ट इन सब के बाद एज का यूज नहीं होता है, तो जो आपका यहाँ पे एज है इसे आपको हटाना पड़ेगा। इस बेस पे कई सारे एरर्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे सीजीएल, सीडीएस, कैट, मैट, जेट एटसेट्रा। क्लियर? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राइट वे इंस्टीट्यूट, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही आगे और आपके लिए क्लास बनाती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।